तो हमें आराम से देखो, अभी देखो मैं कपड़े उतार के अभी जमुना जी में छलांग लगाऊंगा। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ बहुत लोग जमुना जी को देखने आए हुए हैं, हद से ज़्यादा चढ़ी हुई है। इसलिए पहले इसको जब तो अभी आओ इसको पहले आ तो कुछ नुकसान हो तो। हे गाइज, अर्जेंट में एक न्यू ब्लॉग लेके आना पड़ा मुझे, क्योंकि इटावा की जमुना में इतना पानी आ गया है कि जहाँ कभी भी नहीं आया वहाँ पे भी अब पानी आ चुका है। सन 2003 में पानी आया था पहले, उसके बाद अब आया है 2021 में जब पानी आया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ कभी भी पानी नहीं आता था रोड के किनारे, और जमुना वहाँ थी पहले, वहाँ से यहाँ लो पानी आ चुका है। आप देख सकते हो एकदम ये, और ये रास्ता सीधी है, गेट है शमशान घाट के अंदर जाने का। इसके अंदर थोड़े पे आगे चलने के बाद 9 फुट पानी है, जहाँ पर डेड बॉडी जराई जाती थी, और वहाँ पर अब बॉडी नहीं जरा सकते हैं, वहाँ बॉडी बाहर जराई जा रही है रोड पर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, हद से ज़्यादा पानी है, 9-10 फुट पानी है। कौन बंदा जाएगा बॉडी उसमें लेकर अंदर, तो इसलिए शमशान घाट के गेट बंद कर दिए गए हैं पूरी तरह से। इसलिए अब देख सकते हो हमारे रोशन भाई कैसे में मछली मारने के लिए बैठ गए हैं। और अब आपको मैं अभी दिखाता हूँ जमुना को, इटावा की जमुना में इतना पानी आ गया है। ये यहाँ की रास्ता है शमशान घाट के भीतर जाने के लिए, मिट्टी अट्टी जराने के लिए बॉडी, वहाँ पे भी बहुत पानी भरा हुआ है। अभी इस साइड देखो, सब में पानी भर चुका है बहुत ज़्यादा, इटावा की जमुना चढ़ गई है। सन 2003 में इतना पानी आया था, उसके बाद अब आया हुआ है। दिखा रहा हूँ एक पुलिया, यहाँ पर कभी भी पानी नहीं आया, सन 2003 में यहाँ आया था पानी। और अब ये देखो ये पूरी 30 फुट गहरी पुलिया है, यहाँ फुल हो चुका है पानी। आप देख सकते हो पुलिया के थोड़ा ऊंचा है, पुलिया ऊंची है इसलिए निरूबी पुलिया पे पूरा पानी फुल हो चुका है यहाँ। और वहाँ पर देखो हाँ लो पानी आ चुका है सब में, घर मकानों की तरफ। और यहाँ पे, यहाँ पानी बहुत कम होता था, अब की बार यहाँ पे भी पानी है, कुछ ऊंचाई है यहाँ पे। और आप सामने देख सकते हो पूरा जमुना बहुत ज्यादा ओवर चढ़ गई है, आप इस साइड देख सकते हो। अस्सी में कमाया था, 72 में क्या कहा जाता है। अब एक तो पहले एक तो जब तो अभी आओ इस तो पहले आ तो दिन कितने नुकसान होते, कहीं गहराई भी हो गई, हाँ गहराई भी नदी नारे बन गए इनमें भीतर बन गए, गहराई भी हो गई इसकी, तब इतना नहीं था।
पानी और बढ़ रहा है। आराम से देखो, अभी देखो मैं कपड़े उतार के अभी जमने जी में छलांग लगाऊंगा। अभी आप गौर से देखना, मैं ही होंगे और कोई नहीं, तो देखना कैसे निकलता हूँ। कम से कम करना शहर करना, अगर बचते हैं तो बता तुम्हारे सुरेश भाई का ब्लॉग देख सकते हो। यहाँ बहुत लोग जमुना जी को देखने आए हुए हैं, हद से ज़्यादा चढ़ी हुई है, इसलिए इस मंदिर के नीचे बहुत ऊंचाई है। यहाँ पूरे मंदिर के ऊपर पानी आ चुका है। हमारे रोशन भाई भी देखने जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ बहुत भीड़ लग रही है देखने के लिए जमुना जी को, जमुना का पानी। तो हे गाइज, गाइज अपने आपको शमशान घाट दिखा चुके हैं, कितना पानी है वहाँ पर। बॉडी जहाँ जरती थी वहाँ तो नहीं जर रही है, बाहर जर रही है शमशान घाट के, क्योंकि शमशान घाट के बाहर 9 फुट 11 फुट पानी है, इसलिए वहाँ पर नहीं जर रही है बॉडी, उसके शमशान घाट के बाहर जर रही है। और फिर आपको मैंने एक भोले बाबा जी का मंदिर दिखाया है, पर भोले बाबा जी के दर्शन नहीं कराए, तो वहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, हद से ज़्यादा। तो अब मैं आपको जमुना के पुल दिखाते हैं, वहाँ से देखो कितना नीचे पानी रह गया है, आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। पर आपके लिए इतनी हम लोग मेहनत करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। लोग बाग बहुत परेशान है, अपने घर से बाहर निकल कर के आ रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी आ गया है जमुना का। एक कालेवान रोड है, कालेवान मंदिर रोड पर आप देख सकते हो, रोड के पास इतना पानी आ गया है, जबकि कालेवान रोड से मंदिर जमुना बहुत दूर है। इतना जमुना में पानी बढ़ गया है, तो लोग अपना घर बार छोड़कर घर से बाहर आ रहे हैं अपने से, देख सकते हो आप जमुना के पुल से। आप इतनी ऊंचाई पे पानी रह गया है, और पूरा ये यहाँ पे कुछ घर थे एक दो, वहाँ पे भी पानी पूरे में हो चुका है। और लोग बार यहाँ से गाड़ी भी देखो, सब लोग देखने वाले आ रहे हैं, पूरी जमुना चढ़ चुकी है। जमुना के पुल पे आप देख सकते हो, जमुना के पुल पर कितना ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा जमुना ऊपर चढ़ गई है। तो आपको मैंने देखो किताबा शमशान घाट भी दिखा दिया, मंदिर पे भी दिखा दिया कितना पानी है। और भी अब आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई के, आपका भाई सूरज एस के। फिर आपको अगले ब्लॉग में फिर मिलेगा, फिर कुछ नया लेके आएगा।